Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. एक और वीडियो लेके हम आ गए हैं हमसे स्टैंड की। और इसमें भी क्लिप्स जोड़ी है मैंने, छोटी छोटी सी अमेजिंग सी क्लिप्स हैं। और भाई एमसी स्टैन की शादी फिक्स हो गई है, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, तूने देखा नहीं होगा एपिसोड है ना, एक एस्ट्रोलॉजर आए थे बिग बॉस हाउस में, तो उन्होंने गैस किस करके बता दिया कि कौन से मंथ में हो सकती है एमसी स्टैन की शादी। और एमसी स्टैन मतलब बड़ा हैरान हो रहा था, वो बिल्कुल सच सच बातें बता रहे थे ना एमसी स्टैन के रिलेटेड, तो ऐसे सफर करा पहले ऐसे ऐसे करके, तो एमसी स्टैन भाई बड़ा खुश बोला, यार क्या रावस बंदा है ये एस्ट्रोलॉजर को। तो बाकी देखते हैं भाई इसमें क्लिप्स एंजॉय करेंगे आज, पूरी फनी क्लिप्स भी हैं, जैसे पिछली वीडियो थी ना, लास्ट वीडियो को अपने प्यार करा था कल वाली को, वैसे इसको भी करना। सो फिर मैं और ज्यादा ढूंढ के लेके आऊंगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई ढूंढना, क्योंकि मैक्सिमम हम कवर कर ही चुके हैं। तो बाकी इसको करते हैं प्ले। एटीट्यूड दिखाना थोड़ा सा, तो सबको मत दिखाते बैठा भी, क्या लगे जाके तो बात भी मत कर, कौन बोलेगा अरे खाना तो खा, कोई नहीं जा रहे बात नहीं करके अगले, जैसे तू और मैं है साथ ही अपने प्रियंका चौधरी। बिग बॉस का विनर कौन है, एमसी स्टैन या प्रियंका चौधरी? एमसी स्टैन चौधरी। देखो क्या लगता है कौन है विनर? क्या रे निकल रहे सर, मेरे हिसाब से सौंदर्य नहीं चल रही, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता नहीं कि गौतम और उसका जो भी था वो भाई बाहर चल दिल है। हाँ यार एक चीज मैंने पूछनी है, बाकी तो चल मैं मानता हूँ कि एमसी की वोटिंग भी होती होगी, शिव की भी होती होगी, प्रियंका की भी होती होगी, पर इस सौंदर्य वगैरह इनकी भी आते हैं वोट्स। सौंदर्य वगैरह की कुछ हो इनका हो उसमें, वैसे ही इनका। और इनके मुद्दे मेरे को नहीं क्या कुछ भी बचकंडे लगते नहीं क्या, और वो आधे आधे एक एक घंटे तक चलते रहते, और मेरे हिसाब से अब्दू चल रहा सर, बहुत रावस एनर्जी है सर, वो इधर भी चलेगा बाहर भी चलेगा, लाइक जिधर जाएंगे वो चलने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, हक के नहीं क्या सर उसको, लाइक गुड एनर्जी। मैं सुंदर को पानी पिलाना चाहता। क्या बोला तूने? सुंदर को पानी पिलाना चाहता। सुंदर वो देखो यार, Am I? Tina? Yeah, baby. I give my number. Yeah. Four, okay? Okay. 555500. Okay. Okay, my love. Okay. Please call me. I love you. Turtur. You're so cute. ये तुर्तुर किसको बोलते हैं? ये बोलती है ना तरुचना, इसको तुर्तुर बोलती है ना। क्यों? उसकी आवाज समझ जाती है। अच्छा। तेज समझ जाती है। तो क्या बोलता है? किसने सही करके गया लास्ट में है ना? Okay. Okay. 555500. Okay. Okay, my love. Okay, please call me. I love you. Tortur, you're so beautiful. Oh, mommy. Thank you, Tortur. Give my number 5500. Oh, okay, Tortur. Call me in night. In night. Oh, my God. Oof. Are yaar, no need for you makeup. You're so beautiful. 5500. Call. My God, Abdu. Bro, Priyanka. I give my number for you. 5500. Call. पागल समझे मुझे। बिग बॉस देख रहे हो कि नहीं? किसको सपोर्ट कर रहे हैं अगर कहना? और बोबा से शादी कब मनाने का है? अगले साल भाई, इंशाल्लाह करेंगे तो अगले साल। अच्छा देख लेते हैं, बोबा के बारे में बोले ना भाई कभी कुछ, वही अगले साल देख लेते हैं पहले। अगले साल जो आप बोल रहे हो, अगले साल क्या अगले साल दिख रहा है? कुछ नहीं, कभी भी वो मेरा काम नहीं मांगती, बस कभी भी हो। चार साल ऐसे ना बोले। तो इन्होंने कहा कि बुबा के साथ शादी के लिए, फिर इन्होंने कहा था एस्ट्रोलॉजर ने कि या तो सितंबर में हो जाएगी इस मंथ इस ईयर, या फिर एक साल का गैप, अगर सितंबर में नहीं तो एक साल का गैप आएगा, फिर अगस्त या आगे फिर अक्टूबर के बीच में कभी भी हो सकती है।
तो बाकी एमसी स्टैन कह रहा होनी चाहिए भाई, जब मर्जी हो जाए भाई कभी कुछ वही अगले साल देख लेते हैं पहले। अगले साल जो आप बोल रहे हो अगले साल क्या, अगले साल दिख रहा है कुछ नहीं कभी भी, वो मेरा काम नहीं मांगती बस कभी भी हो। चार साल ऐसे ना बोले फिर होली तू साइड में मत देखना चाहता तो मैं भी दिखाऊंगी ब्रो, तुमने झाल दी ब्रो, दिखाऊंगी दिखाना ब्रो दिखाऊंगी छी क्या दिखरी कुछ दिखाना ब्रो अलग ही है इस बार। और भैया शूज का ये है शूज शूज हां जी 80,000 के शूज है 80 लाख के 80,000 हाँ 80,000 के वेस्टर्न कल्चर टाइप 80,000 के नहीं है वही पता नहीं मैं फिर खरीद रहा हूँ तो देखता हूँ मैं। क्या हो गया बेटे आपको? हाँ जी कहाँ से आए? पी टाउन। पी टाउन पी टाउन हाँ जी क्या पीते हो? पी टाउन का अंकल को सुनाई दे रहा है पीता हूँ, अंकल कह रहे क्या पीते हो तुम? हाँ जी कहाँ से आए? पी टाउन। पी टाउन पी टाउन हाँ जी क्या पीते हो? पी टाउन पी टाउन पुणे 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 का है? हाँ जी। अच्छा 80,000 का जूता भी नहीं मिलता यहाँ? ना मिल नहीं रहा। कौन सा जूता मिलेगा यहाँ 80,000 का? वेस्टर्न कल्चर स्टैनी टाइप। स्टैनी टाइप नहीं है, मैं कहीं वहाँ पता कर लूँ वाले पे जाए। मैं मतलब मैं भी रोयला ये लड़की के वजह से बहुत कुछ। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ, मैं एंडिंग तक फाइनल बीनल गले बीले मैंने मिलना ला लड़की को। मैं तो स्ट्रेट अप अरे शेमड़ी तू रहती भी नहीं थी ना, तू अभी बोला रहता तेरे को जान दे। एक बात बोल ना, तू साजिद सर को जानती? तेरे को कौन जानता है इधर? ऐसे पादरे बात मत कर। जब चालू है पापा का पेंशन तो काय का टेंशन, जरा घट साइड को। हम देख रहे हैं तुझे रोज टीवी पे, तू बहुत अच्छा कर रहा है, सब लोग तुझे बाहर देख रहे हैं, सब तुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तेरे फैन लोग बहुत तुझे पसंद कर रहे हैं, बस तेरी बहुत याद आती है बेटा। के बाद में रखता मैं माँ बाप को, यारी थी ब्रो मेरे को पूरा को। तेरी मॉम का ये हो गया क्या? भूलेगा ऐसी बात करूँ? मेरे साथ चिप मत जा, मैं भी बहुत चिप जाएगा। चल शानी बोल। मेरी मम्मी का क्या हो? शेमड़ी। हाँ ये हो गया, क्या? तो बाप बोली ना तूने? शर्म नहीं आ रही? ना रही बोल रहा। ये लगा अभी कार्ड खेल रहे, कार्ड खेले औरत लोग से झगड़े नहीं करता मैं, मर्द है मर्द। मैं पॉलिटिशियन है, काहे की पॉलिटिशियन शेमड़ी। 1500 वोट किधर? 1500 वोट अर्चना को पहले इलेक्शन में 1500 वोट डाले थे ना क्या? 1500 वोट में कहीं भी ले लो, मर्द मर्द। तेरी तरह पॉलिटिशियन है, काहे की पॉलिटिशियन शेमड़ी। 1500 वोट किधर भी जाके लेंगा मैं, कुछ और मुद्दा नहीं मिला। एमसी स्टैन के लिए बहुत सारी विशेष हैं, वो आवेश कि वो जीते और दिखने में तो वो बहुत लिलवेन जैसे लगते हैं। आई डोंट नो व्हाट टू से। तो कर के बेटी पात मारूंगा। ए तो कर के बेटी हमारा फैंस ऑफ टॉक। ये एमसी वगैरह सिखाते हैं सारा इसको। पात मारूंगा। ए टॉकर के बेटी ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक। चल भाई लोग डरो भीरो मत भाई। अपने से भी मत। हां नहीं नहीं ए ये नहीं, ए यार ये नहीं, इसे आप लोग कटिंग लाने को, कटिंग लाए ना हो गया। हां मेरे फैंस लोग पे गई ना तू, फिर मैं जाएंगा तेरे सब पे जाऊंगा। मर गई सी बात करूं, मेरे साथ चिप मत जा, मैं भी बहुत चिप जाएगा। चल चल बात करते हैं इस पे एमसी स्टैन के खिलाफ। वहाँ पे घर के अंदर बहुत सारी बातें चलती थी, इनके खिलाफ बहुत सारी बातें बोली जाती है, लेकिन जब यहाँ पे नॉमिनेट करने का वक्त आया और एमसी स्टैन वहाँ पे सामने जाके खड़े हुए, तो भाई दूसरी मंडली यानी कि प्रियंका के मंडली के लोगों ने बजर से 2 गज की दूरी अपना ली। जी हाँ, और ये डर था एमसी स्टैन के फैंस का, ये डर था एमसी स्टैन का, ये डर एमसी स्टैन के फैंस को अच्छा लगा। हक से दबा के शेयर करना।
किसी ने कहा भाई एमसी स्टैन के लिए कुछ बोल दो मेरे भाई, उसने किसी को बोलने लायक छोड़ा कहा है। तारिक पे तारिक पटेल, तारिक पे तारिक, तारिक पे तारिक, अरे नहीं मिल रही तारिक। नहीं नहीं रहने रहने दे तेरा। कोई मेरी गर्लफ्रेंड रहती ना अभी, तेकू है ना, तेकू चकली करके गधे पे बिठाए रहते हैं पूरे गांव। चकली करके गधे पे बिठा, कैसी लगती है अच्छा? यो यो एमसी स्टैंड, ए यो यो भी मत बोल बाबा। अच्छा पी टाउन एमसी स्टैंड, हाँ इसे सब बोल। मुझे बोलने दो भैया, जाग जा जाग जा, 15 हफ्ते हो गए, जाग जा। एक गोली कर, हाँ। मेरे मन को भाई मैंने कुत्ता काट के खाया। अब बोल, अब बोल ना मैं डर चूका। बेस्ट विशेस हैं एमसी स्टैंड को, ही गोना बी द लिल वेन ऑफ इंडिया। जैसी उसकी लुक है और जैसा उसका स्टाइल है, मुझे बहुत लिल वेन जैसी वाइब आती है। और मैं हिप हॉप मतलब मैंने बिग बॉस ज़्यादा देखा नहीं है, तो मुझे ये नहीं पता कि वो क्या कर रहा है बिग बॉस के अंदर, लेकिन आई एम गिविंग हिम बेस्ट विशेस कि वो बिग बॉस जीते और बाहर आके बहुत सारी एल्बम्स करे और बहुत कामयाब हो। व्हाट डू यू वांट इन 2023? सो द विनर ऑफ दिस सीजन बिग बॉस इज जितने लोगों ने प्यार दिया उनको वापस से प्यार। तो गाइस ये थी क्लिप भाई, मतलब ना अब थोड़ा सा ना डर बढ़ रहा है मेरा भी कि भाई बिग बॉस खत्म होने वाला, अब थोड़ी सी ना टेंशन सी हो रही है कि क्या होगा। अगर प्रियंका कलर्स का चेहरा नहीं होती, कोई और टीवी को होती, तो ऑब्वियसली बात है 110% था कि एमसी स्टैन ही विनर होना था। अब मेरे को नेहा ने थोड़ी टेंशन डाल दी है कि प्रियंका का हो सकता है, पक्का ही है यार, पक्का थोड़ी ना कि प्रियंका ही बनाएंगे वो। बट ऑब्वियसली बात है कि अगर एज मतलब फिर अगर बंदा अपना देख के चले, चैनल वाले ने अपना देखना है, तो उनको फिर ऑब्वियसली बात है प्रियंका को ही बनाना पड़ेगा कि फॉर द लॉन्ग मतलब लॉन्ग रन के लिए चैनल को, है ना। और प्रियंका को चलो फेम मिलेगी मिलेगी, ऐसे भी फेम मिल जाती है, चाहे जीते चाहे ना जीते, जानते तो सभी हैं, सभी को पता है कि किसके अंदर कैसी कैपेबिलिटी है और कौन कैसा काम कर सकता है। तो बाकी देखते हैं भाई यार कि क्या होता है। ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि लास्ट में दो होंगे, एक साइड ऐसे होगी प्रियंका, एक साइड एमसी स्टैन कभी ऊपर जाए कभी नीचे, भाई पता नहीं क्या हो जाए, है ना। और प्रियंका और एमसी स्टैन ही होंगे, एमसी स्टैन को 110% रखना ही पड़ेगा लास्ट टू में, है ना, अदरवाइज तो फिर बवाल ही हो जाएगा। और अगर भाई अब प्रियंका जीत गई तो और भी ज्यादा बवाल होगा, पता नहीं फिर क्या क्या होएगा ना। तो बाकी देखते हैं जो भी रहेगा। तो अगर एमसी स्टैंड जीत गया ना भाई, अगर एमसी स्टैंड जीता तो टीआरपी तो चलो वैसे भी हाई रहनी रहनी है, लास्ट शो होगा, बट एक होगा ना कि बंदों के दिल में, है ना। तो बाकी देखते हैं कि क्या रहता है। बट अगले दिन फिर कमेंट्स पढ़ेंगे कलर्स के लिए कुछ उल्टे फुलटे, है ना, अगर एमसी स्टैंड हार गया तो। बाकी पता नहीं, देखते हैं कि क्या रहता है। वैसे तो विनर बनाए बनाए, क्योंकि बाहर से हर एक बंदे की आवाज ही एमसी स्टैंड के लिए आ रही है। तो बाकी आपको बताना क्लिप्स कैसी लगी, बहुत मेहनत से इकट्ठी करी थी, और वीडियो जिसने लास्ट तक देखा जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो ऐसी और ज्यादा ढूंढू इंटरेस्टिंग सी क्लिप्स तो बताना। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।